What is up guys? तो हमारे चैनल इलेक्ट्रो हैक में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं होम ऑटोमेशन विथ न्यू ब्लिंक ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर में आना है और क्रोम में आपको सर्च करना है blink.iot। तो आप लिंक के वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको लॉगिन का पेज ओपन करना है और लॉगिन के पेज पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो हमने जो है अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो हम सीधा ही लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना ID और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स को आपको न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने डिवाइस का नाम डाल लेना है और नीचे आपको सेलेक्ट करना है ESP8266। और यहाँ पे आपको वाईफाई को सिलेक्ट कर देना है और डन पे क्लिक कर देना है। और ये हमारी ID क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट ID और टेम्पलेट नेम दिख रहा होगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके मैं एक डिस्क्रिप्शन में कोड की लिंक दे दूँगा, इसको आपको ओपन कर लेना है अपने IDEO ID ना के सॉफ्टवेयर में। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको टूल्स में आना है और अपना कॉम पोर्ट को सिलेक्ट कर देना है। और कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको नोड MCU 1.0 को सिलेक्ट कर देना है, जो कि आपके अगर Arduino IDE सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो हम कोड को अपलोडिंग पे स्टार्ट कर देते हैं और हम तब तक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड पर हम क्लिक कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले और डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस को ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हम चार स्विचेस को ऐड कर लेते हैं और स्विचेस को ऐड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे वर्चुअल पिन्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं वर्चुअल पिन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि आपको रखनी है वर्चुअल पिन नंबर 1, 2, 3, 4। तो मैं एक एक करके सभी स्विचेस की वर्चुअल पिन्स और सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो हमने चार बटन्स क्रिएट कर लिए, हम इसको डन कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारा कोड भी अपलोड हो रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है प्रोजेक्ट बनाने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी दे दूंगा। आपका ऐप इंस्टॉल कर लेना है और इस पर आपको लॉगिन करनी है सेम जीमेल आईडी के साथ जो कि हमने वेबसाइट पे क्रिएट की थी। यहाँ पे आपको डेवलपर्स मोड पे आना है। डेवलपर्स मोड पे आपको होम ऑटोमेशन करके एक न्यू मिल जाएगा, यहाँ पे इसको आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको इसके सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे आपको बटन्स को ऐड करना है, चार बटन्स। और ऐड करने के बाद आपको उसी बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्विचेस दिख रहे होंगे, आपको एक एक करके स्विच पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको पुश बटन से हटा के स्विच पे क्लिक कर देना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल डेली ट्रैकर को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते ही रहते हैं एम्बेडेड और आईओटी सिस्टम के रिलेटेड। तो ये हमारे चार स्विचेस क्रिएट हो चुके हैं, अब आपको सिंपली यहाँ से पैक कर देना है और पैक करने के बाद आपको आपकी वाईफाई की क्रेडेंशियल्स आपको इसमें ऐड करने होंगे, जैसे कि आपके वाईफाई का नाम और आपके वाईफाई के पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू डीएसपी क्लिक कर देना है और कनेक्ट वाईफाई पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपने वाईफाई को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको रेडी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक न्यू वाईफाई जनरेट हुआ हुआ दिखा होगा जो कि ब्लिंक डॉट ऐसे होगा और ये हमारा वाईफाई है Jio 5G2। हमने यहाँ पे इसका आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे इसको आप कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा नोड MCU हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सके। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप कहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने से, इसीलिए आप इसको IoT प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो। तो हमारा नोड MCU हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप वाईफाई की आईडी और पासवर्ड भी कॉन्फिगर भी कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स में आइए, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में क्लिक कर देना है और रिकॉन्फिगर पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने वाईफाई की आईडी पासवर्ड फिर से रिकॉन्फिगर कर सकते हो।